आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भोपाल में बीएसएस कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक किया और रैली निकाली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित किया। 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज बीएसएस कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों ने बताया कि दो पहिया वाहन में किस तरह से हेलमेट जरूरी होता है, वहीं चार पहिया वाहन में भी सीट बेल्ट को लगाने की बात नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताई गई। एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। समय ये पूरा वीक जो है ट्रैफिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के हमने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है, जो कि बच्चे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करेंगे और लोग बागों को अवेयर कराएंगे कि कैसे हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस चीज़ के लिए होती है और कहाँ पर कैसे हमें इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज हमारे बच्चे हमारे बीएसएस एनएसएस यूनिट जो है गर्ल्स की और बॉयज़ की इस नुक्कड़ नाटक को तैयार कर रही है, जिससे कि हमारी दुर्घटनाएं कम हो, लोग बागों को पता चले कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए और यूज़ करके हम कितने फ़ायदे में रहेंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, हम एक इधर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं आज पूरे सब लोगों के लिए, ताकि हम उसमें ये समझा पाए कि जो यातायात के नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एक और जहां बीएसएस कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई, वहीं छात्रों ने रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। छात्रों ने बैनर और पोस्टर लगाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून और नियम के बारे में भी लोगों को बताया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।